ये देखिए सब्जी लग रही है ना, बहुत ही अच्छी। अब इसको हम कुछ धनिया की पत्तियों से गार्निश करेंगे। टेम्पेटिंग से सब्जी बनके रेडी है। और गाइस जब आप इसको खाएंगे ना तो बस उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे, ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुनमुन की रसोई। आज हम मुनमुन की रसोई में बनाने जा रहे हैं आलू शिमला मिर्च की ग्रेवी वाली सब्जी। मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ आपको ये सब्जी बनाना बताऊंगी और इससे इसका टेस्ट दोगुना या चौगुना, आप कुछ भी कह ले, हो जाता है। बहुत ही टेस्टी लगती है और फ्लेवर एकदम चेंज हो जाता है और ये आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा, इसकी मेरी गारंटी है गाइस। एक बार आप अपने घर में इस तरह से सब्जी जरूर बना के देखें। तो चलिए आइए बना लेते हैं आलू शिमला मिर्च की ग्रेवी वाली सब्जी। गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। आज हम आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाएंगे। तो आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे और इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए यहाँ पे ये बेसन भुन चुका है। आइए अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सरसों का तेल हम डालेंगे, ये जो बड़े वाले स्पून होते हैं इस स्पून से 2 टेबल स्पून, और इसको गर्म हो जाने देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, आप देख सकते हैं इसको मैंने कैसे काटा है। और यहाँ पे एक हरी शिमला मिर्च और एक लाल शिमला मिर्च मैंने ले ली है, इसको भी क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हो। अगर हरी और लाल शिमला मिर्च ना लेना चाहें तो इसकी जगह पे आप ग्रीन शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को हम तेज ही रखेंगे और ये देखिए शिमला मिर्च बहुत अच्छे से आप फ्राई हो चुके हैं, बस इसको हम निकाल लेते हैं। प्याज है, प्याज को भी हम डाल के ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पे ही हम ये सारे काम करेंगे। प्याज भी बहुत अच्छे से अब फ्राई हो गए हैं, आइए इसको भी हम निकाल लेते हैं। मैं शिमला मिर्च हमने रख के दी, उसी में इसको भी डाल देंगे। और ये एक आलू है, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। हम तेल में डाल देते हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, इस प्याज को मैंने कद्दूकस कर लिया है। 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली थी मैंने, जिसमें 2 को मैंने ऐसे स्लाइड में कट कर लिया है और ये कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पे 1 इंच अदरक है, इसको भी कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे एक टमाटर लिया है, इसको मैंने चॉपर से ग्राइंड कर लिया है। इसको मिक्सी में हम ग्राइंड नहीं करेंगे, या तो आप इसको भी कद्दूकस कर सकते हैं, ये इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बाउल दही ली है, ये जो दही लिया है हमने ये रूम टेम्परेचर पे है। और इस दही में हम 1 टेबल स्पून धनिया डाल देंगे। ये इस तरह से करने से दही हमारी फटेगी नहीं। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं, इससे सब्जी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। 1 तेज पत्ता, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 पिंच हींग, इसको हम तड़के में देंगे। देखिए आलू बहुत अच्छे से अब गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। आइए अब इसको इसी बाउल में निकाल लेते हैं जिसमें हमने प्याज और शिमला मिर्च को निकाल के रखा था। तेल एक्स्ट्रा है तो 1 चम्मच हम तेल इसमें से निकाल देंगे। ये तड़के डाल देंगे हम इसमें। और ये देखिए जीरा चटकने लगा है, अब इसी में हम लहसुन डाल देंगे जो कटे हुए थे, अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ये प्याज भी डाल देंगे। गाइस इस तरह से सब्जी बनाइए, बहुत अच्छी सब्जी में टेस्ट आता है।
और ये सब्जी खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। हाई टू मीडियम कर लेंगे, बहुत तेज नहीं, बहुत धीमा भी नहीं। और ये देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छे से है, भुन चुका है, प्याज का भी कलर चेंज हो गया है और अदरक लहसुन भी अच्छे से कुक हो गया है। इसमें हम कोई भी आज पीस के मसाला नहीं यूज़ करेंगे, टमाटर प्याज कुछ भी हमने पीसा नहीं है, इसमें सारे ऐसे ही खड़े मसाले डाले हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसी टाइम पे फ्लेम को हम एकदम धीमा कर देंगे। 2 पिंच हल्दी, आधा टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इस टाइम पे डालने से बहुत अच्छा कलर और टेस्ट दोनों आता है, हल्दी का भी इनहेंस हो जाता है इस टाइम पे डालने से कलर, और मसालों में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए हल्दी और मिर्च ने अपना कलर छोड़ दिया है, बस सेम इसी वक्त हम टमाटर को डाल देंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। देखते हैं आप तेल ये कैसे ऊपर आ गया है, ये देखिए बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा। बस इसी टाइम पे दही को डाल देते हैं, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च को डाल दिया है, दही और टमाटर दोनों डाला है, दोनों ही खट्टे होते हैं, तो फ्लेवर को इक्वल करने के लिए हम 1 टेबल स्पून इसमें शुगर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। इस तरह से सब्जी आप बना के देखिए, वाकई सब्जी में इतना अच्छा टेस्ट आता है कि आप इस सब्जी को बार बार बनाना चाहेंगे। अब यहाँ पे आप जो 2 टेबल स्पून हमने बेसन भून के रखा था वो इसमें हम डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाइस बेसन डालने से ग्रेवी में थिकनेस आती है, फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी। और ये देखिए मसालों ने कैसे अपना तेल छोड़ दिया है, आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल मसाले कैसे एक साथ हो गए हैं, ये देखिए, ये देखिए मसाले अब हमारे एकदम परफेक्ट भुन चुके हैं। गाइस सब्जी से स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। पानी का मेजर हम कप से कर लेते हैं, ये 1.5 कप, 1.5 कप हमने इसमें पानी डाल दिया है, मिक्स कर देंगे मसालों को। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं इसमें। एक मिर्च ली है, इसको मैंने स्लाइड कट कर लिया है और वो भी हम इसमें डाल देंगे। बॉयल आने लगा है, आलू और शिमला मिर्च जो हमने फ्राई करके रखी थी, इस टाइम पे हम अपने सारे वेजिटेबल्स डाल देंगे। आधा टेबल स्पून गरम मसाला मिक्स कर देंगे और इसको कुछ देर इसी में कुक होने देंगे, रख देते हैं इसको प्लेट से। आइए अब 2 मिनट हो चुके हैं, लीड को हटा लेते हैं और ये देखिए सब्जी हमारी बहुत अच्छे से अब गाढ़ी हो चुकी है और आप इसका कलर भी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया हुआ है। हम आलू एक बार चेक कर लेते हैं, आलू हमारे अच्छे से कुक हुए हैं या नहीं, यस ये देखिए कट जा रहा है, इसका मतलब आलू हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। आइए अब डालते हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आपकी सब्जी को बनाएगा और भी बेहतरीन। जी हाँ, जिस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बात मैंने पहले आपसे की थी वो आज हम डालेंगे, शायद ही कभी आपने अपनी सब्जी में इसको डाला हो, नहीं डाला है तो इसको डाल के ज़रूर देखिए, आपकी सब्जी का स्वाद दोगुना हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिया है पुदीना। जी हाँ गाइस, मैंने पुदीना को सुखा लिया था और सुखा के इसको पीस लिया है। आप पुदीना को हम जैसे हम कस्तूरी मेथी डालते हैं ना, सेम वैसे ही डाल देंगे इसमें, इसका टेस्ट लाजवाब हो जाएगा गाइस। और चलिए अब
फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और सब्जी को निकाल लेते हैं। गाइस देखा आपने सब्जी को बनाना कितना आसान है और ये फटाफट बन जाती है। इसमें हमने कुछ भी यूज नहीं किया, सारे खड़े मसाले डाले हैं और फिर भी ये सब्जी बहुत ही लाजवाब है, लग रही है ना देखने में बहुत ही अच्छी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी मुझे मेंशन करते रहे कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।